आज की इस एक वीडियो में मैं आपकी दो प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने वाला हूं। पहला, अगर आपका वजन बहुत कम है, शरीर बहुत ही दुबला पतला है, और दूसरा, अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि घर पर आप प्रोटीन पाउडर कैसे सस्ते में बना सकते हैं। वजन वाले इस वीडियो को इसलिए देखिए क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका वजन कम नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है। साथ ही साथ वो लोग भी इस वीडियो को देखें जो लोग अपने लिए प्रोटीन पाउडर ढूंढ रहे हैं, जानना चाहते हैं वो कैसे बनेगा घर पर, वो भी आसानी से कम खर्च में। सबसे जरूरी बात, अगर आप आधी अधूरी जानकारी के साथ इस उपाय या कहे प्रोटीन पाउडर को बनाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलने की गारंटी मेरी नहीं है। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को बाद में देख लीजिए, वरना इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 4-5 चीजें है, इनका इस्तेमाल कर आप प्रोटीन पाउडर अपने घर पर बना सकते हैं। मैं उन लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, वो ये है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आपके लिए जो टिप चाहिए जरूरी है वो वीडियो के एंड में है। चलिए एक एक कर चीजों के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि आपको इनकी मात्रा कितनी लेनी है। सबसे पहली चीज है मूंगफली। 100 ग्राम मूंगफली में लगभग 25 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके चलते यह प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल काफी फायदेमंद साबित होगा आपके लिए। अगर वजन बढ़ाने के लिहाज से भी देखा जाए तो ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो इस उपाय में आपको इसके इस्तेमाल 100 ग्राम करना है। अगली चीज जो आप इस्तेमाल करेंगे वो रहेगा अखरोट। अखरोट में कई ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाती हैं। अखरोट में अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। इसके अलावा अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना गया है। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन ग्लोइंग रहेगी और जॉइंट्स भी आपके शरीर के अच्छे बने रहेंगे। इस उपाय में आपको इसके इस्तेमाल 50 ग्राम करना है। अगली जो चीज है वो है बादाम। यहाँ पर आपको बादाम 100 ग्राम लेना है। बता दूं, बादाम में भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें हेल्दी फैट मौजूद होता है। यहाँ पर इसके इस्तेमाल आपको 100 ग्राम करना है। तो आइए, चलिए मैंने आपको ये 3 चीजें बता दी, लेकिन अभी यहाँ पर 2 चीजें और डलेंगी जिनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो घर पर इस जादुई पाउडर को बनाने के लिए आपको करना यह है कि इस तरीके से एक मिक्सी का जार ले लीजिए और यहाँ पर जो आपने बादाम निकाल कर रखा है उसे डालिए और उसके बाद डालिए मूंगफली को। अखरोट लिया था, इसे भी आप डाल देंगे। अब यहाँ पर अगली चीज जो आप इस्तेमाल करेंगे वो रहेगा चिया सीड। आप देख सकते हैं कि ये चिया सीड है, आपको इसको भी यहाँ पर ऐड कर देना है। इसे मैंने 1 बड़े चम्मच लिया था। अभी मैं इन्हें पहले अच्छी तरीके से पीस लेता हूँ, इसके बाद बताता हूँ एक चीज आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। जब आप इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। अब आपको करना ये है कि सबसे पहले इस तरीके से कोई एक कटोरा ले लीजिए और इसमें आपने जो ये मिक्सर बना करके तैयार किया है इसे डाल दीजिए। तो देखिए, हमने जो सारी चीजें मिक्स करी उसके इस तरीके का पाउडर बनके तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा छान सकते हैं। तो यहाँ पर अगली जो चीज आप लेंगे जो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा टेस्ट बढ़ा देगी वो रहेगा मिल्क पाउडर। आपको मिल्क पाउडर बस इतनी सी मात्रा में लेना है, इससे ज्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए। यह लगभग 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर लिया है, तो इसे भी इस पर ऐड कर देते हैं। ऐड करके इसे भी अच्छी तरीके से मिला देते हैं। तो ये देखिए, हमारा प्रोटीन पाउडर बन चुका है जो कि बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जो इसका सेवन करना चाहते हैं, वो वर्कआउट के बाद इसका सेवन लो फैट मिल्क के साथ कर सकते हैं। 1 चम्मच इसे लीजिए और उसके बाद इसका सेवन कर लीजिए। खासकर वो लोग की मैं बात कर रहा हूँ जिनका शरीर बहुत ज्यादा पतला दुबला है। जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, इसके द्वारा जानना चाहते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल स्पेशली वजन बढ़ाने के लिए किया गया, वो लोग यहाँ पर से ध्यान से देखें। आपको करना यह है कि इस तरीके से एक केला ले लीजिए और यहां पर जो आपने ये प्रोटीन पाउडर बना करके तैयार किया है इसे ले लीजिए। आपको करना यह है कि आपको मिल्क लेना है और 1 ग्लास मिल्क में आपको लगभग 1 इस तरीके से जो है केला आपको ऐड कर देना है और 1 चम्मच इसका जो है ऐड कर देना है। दोनों को आपस में मिलाइए और वर्कआउट के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। एक्सरसाइज दोनों केस में आपको करना होगा, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या फिर आप अपना वजन बढ़ाना चाह रहे हो। साथ ही साथ आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होगा, जिसके चलते आप देखेंगे कि आपका वजन बड़ी तेजी से बढ़ जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो इतने तामझाम नहीं चाहते और जानना चाहते हैं कि कैसे वो अपना वजन तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो उन लोगों को मैं कुछ मास गेनर रिकमेंड करूंगा, वेट गेनर रिकमेंड करूंगा, जो जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। मैंने वहां पर लिख दिया है कि आप किस तरीके से उसका सेवन करेंगे, क्या क्या चीजें आपको लगेंगी। सबसे पहली लिंक है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। आई होप आयुर्वेद टीवी का आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। इस टाइप के और वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में नए नुस्खे और टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।